इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जवाब मांगा है केंद्र और राज्य सरकार से। उन्होंने कहा है कि घर लौट रहे श्रमिकों को जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार दी गई हैं, उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मांगी है। आपको बताएं, दो हफ्ते बाद हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट जो है वो देने के आदेश दिए गए हैं। याचिका में खाने और आवश्यक सुविधा मुहैया कराने की मांग है। तो आपको बताएं, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जवाब मांगा है केंद्र और राज्य सरकार से, जवाब मांगा गया है। घर लौट रहे श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी गई है। दो हफ्ते बाद हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट जो है वो देने के आदेश दिए गए हैं। याचिका में खाने और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग। तो बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लखनऊ बेंच ने जो है वो जवाब मांगा है राज्य और केंद्र सरकार दोनों से ही कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। गगन, हाईकोर्ट में याचिका किसने दायर की थी और क्या कुछ जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है उसमें किस प्रकार से जो राज्य सरकार है वो अब जवाब देगी अपना? देखिए अभिषेक, जिस तरह से आए दिन ये सामने आ रहा है कि कहीं श्रमिक पैदल चल रहा है या फिर क्वारंटीन सेंटर में उनको खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, अन्य कई समस्याएं हैं, उनको ले जाने की समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर एक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है और यूपी सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है कि आप रिपोर्ट ये दिखाइए कि आपने अभी तक श्रमिकों को लाने के लिए, उनको भोजन देने के लिए और उनको तमाम सुविधाओं देने के लिए क्या क्या किया है। तो दो हफ्तों में यूपी सरकार हाईकोर्ट के सामने ये स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी कि अभी तक जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या क्या किया है। जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, तो उनको भोजन की व्यवस्था क्या की गई है, उनको ले जो अन्य राज्यों से लाने की प्रक्रिया है वो कैसी है, किस तरह से लाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जुगेगन, वहीं आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक कैसे पहुंचा, यानी कि याचिका किसने दायर की सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, दिलीप कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार और सौरभ लवानिया की बेंच ने की थी। क्योंकि लगातार मीडिया की रिपोर्ट में सामने आ रहा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि श्रमिकों को भोजन नहीं मिल रहा है, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको एक बार खाना मिलता है लेकिन दोबारा शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उन तक भोजन नहीं पहुंच रहा है, कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी पैदल चलने के दौरान। उन तमाम चीजों को लेकर एक दिलीप कुमार मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर की थी, उसी के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिए समय दिया है और उसी समय के बीच में एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है सरकार से कि आप हलफनामा प्रस्तुत करिए कि अभी तक आपने श्रमिकों को भोजन देने के लिए, उनको सुविधाओं देने के लिए, उनकी मेडिकल कैसी आपने सुविधा दी है, आवश्यक जो सुविधाएं होती हैं वो कैसे की गई है, उन तमाम चीजों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तय हाईकोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर बनने के लिए।